क्या भारत के खिलाफ फिर बड़ी लड़ाई की तैयारी में जुटा हुआ है पाकिस्तान? ऐसा लगता है कि वित्तीय बदहाली के बाद भी पाकिस्तान गुपचुप तरीके से फिर साजिश रच रहा है। जिस तरह पाकिस्तान अपनी सेनाओं के विस्तार के साथ परमाणु चखेरों को बढ़ाने में जुटा हुआ है, जिससे लगता है कि वह भारत के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की परमाणु हिस्ट्री और परमाणु कैपेसिटी और परमाणु वेपन्स कितने कितने दोनों के पास है। एक रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट आई है जो बहुत चौंकाने वाली है, हम सभी भारतीय के लिए थोड़ा टेंशन की बात है। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं और करते हैं एक छोटी सी केस स्टडी। भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट ये मान रही है कि पाकिस्तान के इरादे सही नहीं है, ना ही भारत को लेकर उसके कंधे इरादे में कोई बदलाव आया है। पाकिस्तान जिस तरह अपनी सेनाओं का विस्तार कर रहा है और अपने परमाणु हथियार को साल दर साल बढ़ा रहा है, वो भारत के लिए चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ये भी माना जा रहा है अगर अब की बार लड़ाई हुई तो पाकिस्तान परमाणु हथियार का उपयोग करने से भी बाज नहीं आएगा। दोस्तों एक अमेरिकी रिपोर्ट यह भी कहती है पाकिस्तान पिछले कुछ साल से एक नए तरह का न्यूक्लियर शस्त्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ है गुपचुप तरीके से। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की मंशा में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वो फिर से कोई नया कुचक्र रचने में लग गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हर साल परमाणु हथियार को लेकर एक ईयर बुक जारी करती है। उसकी 2019 की ईयर बुक कहती है भारत और फ्रांस ऐसे देश हैं जिन्होंने कुछ सालों से परमाणु हथियार बनाने का काम रोक दिया है। वहीं रूस और अमेरिका जैसे अपने न्यूक्लियर वार हेड में कटौती कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना दो ऐसे देश हैं जो लगातार न्यूक्लियर वार हेड बनाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के पास भारत से 14 परमाणु हथियार है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास फिलहाल 150 के आसपास न्यूक्लियर वारहेड यानी परमाणु बम है। दोस्तों बहुत चिंता की बात है, छोटा सा देश और इतना बड़ी मात्रा में परमाणु बम की क्या ज़रूरत है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान हर साल 5 से 10 परमाणु हथियार बना चुका है दोस्तों, जबकि इंडिया शायद ऐसी कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें दुनिया में फिलहाल 13,863 न्यूक्लियर वारहेड यानी परमाणु बम है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका और रशिया के पास है। दोस्तों ये रिपोर्ट बहुत ही खतरनाक, बहुत ही चौंकाने वाली हम सभी भारतीयों के लिए। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ज़रूर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसे हम पाकिस्तान को उसकी औकात सही तरीके से दिखा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।